आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। बिलासपुर कस्बे में आयुष्मान भारत के तहत एक फ्री स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें फ्री में दवाई दी गई और चेकअप किए गए। विशेष प्रोग्रामों में हमारा जो हेल्थ को लेकर इंडिकेट किया गया है, उसमें आयुष्मान भारत बड़ा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत गांव के गरीब लोगों को इलाज किया जाता है। और हमारे मेडिकल कॉलेज जीम की तरफ से एक कैंप यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनकौर के तत्वावधान में आयोजित है। इसमें जो है नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल, तो हम संचारी और गैर संचारी दो बीमारियों को लेकर लक्ष्य इलाज करते हैं, जिसमें गैर संचारी बीमारियों में हमारे तीन बीमारी हैं मुख्य रूप से, जिसमें डायबिटीज़ है एक, दूसरा हाइपरटेंशन है और तीसरा जो है कैंसर है। कैंसर में भी तीन बीमारी विशेष रूप से लिया गया, जिसमें ओरल कैंसर, अस्तन कैंसर और एक है सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं को विशेष रूप से पाया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज में है हमारी बीमारी टीबी है, डस्ट है, और बच्चों में पाए जाने वाले जो भी संक्रमण बीमारियां हैं उनका उपचार हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। और अभी कल हमारे यहाँ एक नया प्रोग्राम और लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चों की मौत हो जाती है केवल दस्त जैसे बीमारी से, और बच्चों में मौत 5 साल तक के बच्चों में मौत होने में सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे जो भूमिका होता है वो दस्त से होता है। पहले नंबर पे निमोनिया से बच्चों की ज़्यादा मौत होती है, उसके बाद पश्चात जो है दस्त से ज़्यादा मौत होती है। तो दस्त पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने जिंक टैबलेट और ओआरएस के पैकेट हर घर तक पहुंचाने के लिए अपने यहाँ आंगनबाड़ी और आशाओं को प्रशिक्षित किया गया है, वो हर घर पे जाती हैं, उन्हें जो है आयरन और जिंक टैबलेट और ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराती हैं। इनमें से सुबह शाम, ठीक है, खाना खाने के बाद ताजी पानी से।